अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो डायबिटीज़ मेलिटस में आज हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डायबिटिक स्टेट पढ़ने जा रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हम दो बातें पढ़ेंगे, एक नॉर्मल ग्लूकोज रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में नॉर्मली ग्लूकोज किस तरह रेगुलेट होती है। ठीक है, अच्छा, इट इन्वॉल्व मैनी फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? इंसुलिन है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है, इंक्रेटिन हार्मोन है, अमाइलिन है। ठीक है, इन फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर में चेंजेस आएंगी तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करती है? रेगुलेट करती है तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। किस तरह, मैं आपको बताती हूँ। ये प्रमोट करते हैं द सेलुलर अपटेक ऑफ द प्लाज्मा ग्लूकोज। प्रमोट ये करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल जो हैं वो ग्लूकोज को कंज्यूम करें। ठीक है, अच्छा, सेकेंड थिंग इज़ दैट ये स्टिमुलेट क्या करती है? कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इंटू एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स। एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स हमारे पास ग्लाइकोजन और फैट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोज को एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है। कहाँ पे कन्वर्ट करती है? लेबर में, मसल्स में, एडिपोज सेल्स में। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इनका और ये काम भी है कि फैसिलिटेट करती हैं सेलुलर अपटेक ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड देयर इनकॉर्पोरेशन इनटू द प्रोटीन्स। उसके बाद यह है कि इनहिबिट करती हैं प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर, मसल्स, ग्लाइकोजन और अमाइनो एसिड्स। ठीक है, मतलब इंसुलिन का काम ये भी है कि वो लिवर से ग्लूकोज की प्रोडक्शन को रोकती भी हैं। ठीक है, अच्छा, और ये काम भी है कि डिक्रीज करती हैं द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू कीटोन बॉडीज। ओके, अच्छा, सेकेंडली हम बात करें तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं अगेंस्ट दी इंसुलिन। ठीक है, इनमें कौन कौन से हार्मोन्स इंक्लूड हैं? ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, कैटेकुलामाइन, जिसमें आपके पास एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन आती है, एंड कॉर्टिसोल है, राइट? अच्छा, होता यह है कि जब इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को काफ़ी कम कर देती है तब ये काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, राइट? अच्छा जी, इसके बाद आपके पास इंक्रेटिन हार्मोन्स आते हैं। इंक्रेटिन हार्मोन्स बेसिकली जो है इसे गट हार्मोन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। ओके, अच्छा, एक बात जो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ ये है कि जो हम ग्लूकोज इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो प्रमोट करती है रैपिड रिलीज ऑफ इंसुलिन कंपेरेटिव टू दी ग्लूकोज विच इज़ गिवन बाय द आईवी। ठीक है, यानी जो इंट्रावेनस इंजेक्शन से जो ग्लूकोज देते हैं उसके कंपैरेटिव जो हम इंजेस्ट कर रहे होते हैं ग्लूकोज, तो उसकी वजह से ज़्यादा जो है रैपिडली इंसुलिन की रिलीज होती है, उसकी सिक्रीशन होती है। ठीक है, अच्छा, ये क्यों होती है ये मैं आपको बताती हूँ। दिस अकर बिकॉज ऑफ द इंक्रेटिन हार्मोन्स। ये इंक्रेटिन हार्मोन की वजह से होती है। इंक्रेटिन हार्मोन कौन से? GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, एंड GLP, दैट इज ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, राइट? जब भी हम ग्लूकोज की इंजेक्शन करते हैं तो ये दोनों हार्मोन इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। ठीक है, बिफोर द ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड। अच्छा, एक बात यह है कि पोस्ट पेरेंटियल सिक्रीशन ऑफ GLP-1 इज डिमिनिश इन डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में GLP-1 की सिक्रीशन नहीं होती, सही है, कम हो जाती है, राइट? वेयर एज GIP सिक्रीशन इज नॉर्मल और इंक्रीज। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे GIP-1 के कुछ एक्शंस बताती चलूँ। ये क्या करते हैं कि ये इंक्रीज़ करते हैं ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन को। ठीक है, ये इनहिबिट कर रहा होता है इनएप्रोप्रिएट ग्लूकागॉन सिक्रीशन को, यानी इनएप्रोप्रिएटली जो ग्लूकागॉन सिक्रीट हो रहा है उसको भी इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, ये गैस्ट्रिक MT को स्लो करते हैं ताकि स्लोली आपके पास जो है वो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती रहे। ठीक है, ये एपेटाइट को भी सप्रेस करते हैं ताकि मतलब भूख ना लगे आपको। ठीक है, एंड ये इंक्रीज़ करते हैं बीटा सेल्स की ग्रोथ को, उनकी रेप्लिकेशन को। ये सारे मैं आपको GLP के एक्शंस बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं अमाइलिन पर आती हूँ। तो अमाइलिन वो हार्मोन है जो को सिक्रीट होता है विद इंसुलिन। ये इंसुलिन के साथ ही सिक्रीट होता है फ्रॉम द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, राइट? अच्छा, जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है तो उनमें या तो कम या तो बिल्कुल भी अमाइलिन प्रोड्यूस नहीं होता, सही है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है वो अमाइलिन प्रोड्यूस होता है, बट इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता उनमें भी। ठीक है, अच्छा, अमाइलिन जो है वो लोअर करता है पोस्ट पेरेंटियल ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द फॉलोइंग एक्शंस। मतलब कि ये खाने के बाद जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है।
ठीक है, किस तरह करता है वो आपको बताती हूँ। बाय प्रोलोंग गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम, वही वाली बात आ गई कि ताकि गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम को प्रोलोंग करना का मुराद यही है कि ताकि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन स्लोली हो। ठीक है, बाय सप्रेसिंग द एपेटाइट, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द पोस्ट पेरेंटियल ग्लूकागॉन सिक्रीशन, खाने के बाद ग्लूकागॉन की सिक्रीशन नहीं करे ताकि ग्लूकोज ना बढ़े। ठीक है, इस तरह ये जो है वो ग्लूकोज लेवल को कम करता है खाने के बाद। राइट, सो दिस इज वॉट वी स्टडी दैट कि किस तरह जो है वो नॉर्मल ग्लूकोज की रेगुलेशन होती है हमारे ब्लड में। राइट, अच्छा, सेकेंड हम डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, टाइप 2 और सेकेंडरी डायबिटीज़ को देखेंगे कि किस तरह ये डायबिटीज़ जो है वो डेवलप हो रही हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में देखते हैं तो देखिए आपके पास जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं, जीन्स में ही कोडिंग हुई भी है उनकी। ठीक है, अच्छा, इन्वायरमेंटल फैक्टर में वायरस की वजह से, वायरस सच एस रूबेला वायरस एक्सेट्रा की वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्यों होता है? होता यह है कि जब कोई भी फॉरेन यानी कि कोई भी वायरस एंटर होता है, वायरल एंटीजन एंटर होता है हमारी बॉडी में, तो उसकी जो है वो अमाइनो एसिड सिक्वेंस हमारे जो बीटा सेल्स के अमाइनो एसिड सिक्वेंस से सिमिलर होते हैं। उस वजह से होता यह है कि उसके अगेंस्ट यानी उस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी जनरेट हो रही हैं वो उसको तो किल करती हैं, क्योंकि उसका अमाइनो एसिड जो सिक्वेंस है वो बीटा सेल्स के अमाइनो एसिड सिक्वेंस से सिमिलर होता है। इस वजह से वो फिर एंटीबॉडीज जो है वो हमारे बीटा सेल्स को भी किल कर रही होती हैं, इसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ केमिकल्स की वजह से भी हो जाती है, डाइटी जैसे कि काऊ मिल्क है उसकी वजह से भी हो जाती है, या फूड की वजह से, फूड में कोई टॉक्सिन हो गया, उस टॉक्सिन का भी प्रोटीन यानी प्रोटीन का जो सीक्वेंस है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो सिमिलर हो गया बीटा सेल से, तो इस वजह से भी डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ऑटो इम्यूनिटी, मैंने आपको बताया था कि ऑटो इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि एंटी इंसुलिन या फिर एंटी बीटा सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं ब्लड में उन इंडिविजुअल के जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस डायग्नोज हुआ है। और देखा ये गया है कि 70% टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट हैं जिनमें जो है वो एंटीबॉडीज़ टू ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज पाई गई है उनके ब्लड में। ठीक है, तो ये वजह बन जाती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस की। राइट, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस की बात करूँ तो यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर तो है ही है, प्लस बीटा सेल्स रिस्ट्रिक्शन भी है। ठीक है, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। राइट, यानी पेशेंट के अंदर जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस जिनमें डायग्नोज हुआ है तो उनमें 50% जो है वो बीटा सेल्स वर्किंग है। ठीक है, बट टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है कि स्लोली जो है ना वो डिस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ती चली जाती है, स्लोली जो है वो बीटा सेल्स और मज़ीद डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। एक ऐसी कंडीशन भी आ जाती है जहाँ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, पेरिफेरल साइड डिफेक्ट भी बोला गया है। पेरिफेरल साइड डिफेक्ट में क्या बताया गया है, मे बी देयर इज अ डिफेक्ट इन द पोस्ट रिसेप्टर बाइंडिंग, पोस्ट रिसेप्टर बाइंडिंग में कोई डिफेक्ट है, या फिर नंबर ऑफ जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो कम है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस डायग्नोज हुई है। राइट, अच्छा, सेकेंडरी डायबिटीज़ में मैंने आपको क्या बोला था कि सेकेंडरी डायबिटीज़ जो है वो ये वो डायबिटीज़ है जो कि किसी भी डिसऑर्डर की वजह से होती है या फिर ट्रीटमेंट की वजह से होती है। डिसऑर्डर मैंने आपको बताया था, क्रशिंग सिंड्रोम है, सिस्टिक फिब्रोसिस है, डाउन सिंड्रोम है, पैंक्रियाटिक कोई भी डिसऑर्डर है उसमें वो आ जाती है, या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन जिसमें स्टीरॉइड्स आ गए, ठीक है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ गए या फिर एंटीसाइकोटिक्स आ गए, अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो इन मेडिकेशन की वजह से भी उनमें सेकेंडरी डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, वो डायबिटिक हो जाते हैं। राइट, तो दिस इज़ ऑल वी स्टडी इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डायबिटिक स्टेट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड। ओके, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय।